हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं एक लाया हूँ अच्छी खबर। पोस्ट ऑफिस की जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 के बीच में पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस वीडियो में हम एक एक करके सभी स्कीम्स के करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत नागपाल है। अगर आप हमारे चैनल नागपाल इन्वेस्टमेंट्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके सभी स्कीम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं उनके नए रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट की। टाइम डिपॉजिट अकाउंट, जिसे टीडी अकाउंट भी कहते हैं, अगर एक साल के लिए आप करवाएंगे तो आपको मिलेगा 6.6%, दो साल का कराएंगे 6.8%, तीन साल का कराएंगे 6.9%, और अगर पांच साल का आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट करवाएंगे 7%। ये एक बैंक एफडी की तरह होती है, जिसे पोस्ट ऑफिस को हम टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं, टीडी अकाउंट भी बोलते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो साल के साल मिलता है, बट कैलकुलेशन क्वार्टरली होती है, यानी कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता है और मिलता हमें एनुअल है। अब इसमें अगर आप 5 साल का टाइम डिपॉजिट अकाउंट करवाएंगे तो आपको सेक्शन 80C के अंडर मैक्सिमम 1.5 लाख की टैक्स सेविंग भी मिल जाती है। सेविंग्स अकाउंट की अगर बात करें पोस्ट ऑफिस के, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाला ही 4% चलाया गया है, उसमें कोई इंक्रीज नहीं है। रेकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट जो पोस्ट ऑफिस का होता है, उसमें भी 5.8% क्वार्टरली कंपाउंड मिल रहा है, जो पहले मिल रहा था, इसमें कोई चेंज नहीं है। टाइम डिपॉजिट में बढ़ाए गए हैं। अब बाकी स्कीम्स की बात कर लेते हैं। मंथली इनकम स्कीम, जो एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, MIS, उसमें अब 7.1% का मंथली इंटरेस्ट आपको मिलेगा, पहले मिलता था 6.7। इसमें मैक्सिमम एक नाम से 4.5 लाख डिपॉजिट हो सकता है और जॉइंट में 9 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस स्कीम में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर 4,50,000 आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको मंथली 2,662 रुपीज़ मिल जाते हैं 5 ईयर्स के लिए। 5 साल का ये अकाउंट होता है, तो मंथली आप इससे अपनी इनकम बना सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, जिसमें 7.6% मिलता था, अब उसमें आपको मिलेगा 8%, पेएबल क्वार्टरली। इसमें टैक्स सेविंग भी अपने को मिल जाती है। अगर इसमें आप 15 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे, जो कि इसका मैक्सिमम अमाउंट भी है, तो इसमें आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, यानी हर 3-3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। 15 लाख डिपॉजिट करेंगे तो आपको 30,000 रुपीस एवरी 3 मंथ्स मिल जाएगा, और 5 साल का ये अकाउंट होता है, लगातार 5 साल आपको मिलेगा 8% के रेट के हिसाब से। तो ये भी एक अच्छा रेट बढ़ाया गया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF की बात करें तो जो 15 साल का अकाउंट होता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है, 7.1% का ही कंटिन्यू किया गया है। इसमें टैक्स सेविंग भी मिल जाती है और 15 ईयर्स का ये अकाउंट होता है। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, जो बच्चों के नाम पर होती है, गर्ल चाइल्ड के नाम पर जो अकाउंट खोला जाता है, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हुआ है, 7.6% का कंपाउंडिंग एनुअल रेट ही चल रहा है। इसमें भी आपको टैक्स सेविंग मिल जाती है, 1.5 लाख मैक्सिमम अमाउंट होता है। चलिए अब अपनी नेक्स्ट स्कीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, जो हम टैक्स सेविंग के लिए जनरली करते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के 7% कर दिया गया है, कंपाउंडिंग एनुअली। इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया, टैक्स सेविंग मिल जाती है अंडर सेक्शन 80C। अगर इसमें आप 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो 5 ईयर्स में आपको गारंटेड मिलता है 1,40,255 रुपीज, 7% का रेट इसमें रखा गया है। अब बात करते हैं किसान विकास पत्र KVP की। इसमें हमारा पैसा डबल हो जाता है, इसमें अब 7.2% का रेट कर दिया गया है कंपाउंडिंग एनुअली। इसमें पहले 123 मंथ्स में हमारा पैसा डबल होता था, अब जो हमारा पैसा डबल हुआ करेगा वो लगेंगे 10 साल, यानी 120 मंथ्स में हमको अमाउंट डबल करके दिया जाएगा। अगर हम 1 लाख डिपॉजिट करेंगे तो मैच्योरिटी पर हमें 2 लाख मिल जाएंगे। तो ये था KVP। तो दोस्तों, ये थी सारी स्कीम्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, जो नए रेट थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय।